खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम अजहर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मलक अब्बासुल करनैन अवान ने गंदम की जखीरा की गई तकरीबन 3,000 बोरियां बरामद कर ली, जबकि मजमूई तौर पर तीनों तहसीलों के अफसरान ने 6,000 जखीरा गंदम बरामद कर ली। मजमूई तौर पर गंदम बादशाहपुर, संधावाला, मलकवाल, पाड़ियावाली और मियांवाल रांझा से बरामद की गई। गंदम को कब्जे में लेकर गोदामों को सील कर दिया गया और मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। जखीरा की गई गंदम दूसरे इजला में स्मगल की जानी थी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मलक अब्बासुल करनैन अवान ने महकमा फूड अफसरान को हदायत जारी करते हुए मस्कूरा गंदम को फौरी तौर पर सरकारी गोदाम में जमा करवाने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि ज़िली इंतजामिया बुज़दार हुकूमत की हदायत के मुताबिक ज़मीनी हकायक को मद्देनज़र रखते हुए किसानों और आवाम के वसी तर मफाद में बेहतरीन फैसले कर रही है और अवामी मफाद से मुतसादन कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा, जिसके लिए किसी भी अनासर को दूसरे इजला में गंदम स्मगल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि ज़िला में गंदम खरीदारी का हदफ हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए काश्तकारों से बराह रास्त 1400 रुपये फी मन गंदम खरीद की जा रही है, जिसकी अदायगी किसानों को 24 घंटों में कर दी जाती है।